हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो भाई आपको पता होगा कि मैंने अपनी गाड़ी पे एलईडी लाइट्स इंस्टॉल कर रखा है। तो भाई मेरे गाड़ी के हेडलाइट में भी ओसराम का 25 वॉट एलईडी लगा हुआ है और मेरे इस प्रोजेक्टर पे भी ओसराम का 25 वॉट एलईडी लगा हुआ है। तो भाई मैंने जो है रिसेंटली दोनों को इंस्टॉल किया हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो महीना हुआ होगा। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम आ गया, अपनी गाड़ी का जो प्रोजेक्टर लाइट है ना वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। थोड़े दिन पहले सिर्फ एक प्रोजेक्टर वर्क कर रहा था और एक प्रोजेक्टर बंद हो चुका था भाई। फिर कुछ टाइम बाद दोनों प्रोजेक्टर जो चलना बंद हो गया। तो भाई इसमें दिक्कत यह है कि भाई ये जो ब्रांडेड एलईडी है, अब पता नहीं ये एलईडी बल्ब भी उड़ चुका है या फिर किसी वायरिंग में दिक्कत है या फ्यूज़ वगैरह उड़ चुका है। तो भाई इसको जो हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो भाई अगर आपके भी गाड़ी का अगर फॉग लैंप बंद हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब अपनी गाड़ी का फॉग लाइट या फिर हेडलाइट को जो है चेक किया जाता है। वैसे तो इस एलईडी में आपको वारंटी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी एलईडी बल्ब को उड़ना तो नहीं चाहिए। अगर ये उड़ गया तो समझो भाई कि ओसराम देना, आप बंद कर देना भाई। चलो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि एलईडी हमारा वायरिंग में दिक्कत है, फ्यूज में दिक्कत है या फिर एक्चुअल में अपना एलईडी जो है उड़ चुका है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपको मैं जो है प्रॉब्लम चेकआउट कराता हूँ। अपनी गाड़ी का फॉग लैंप ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो फॉग लैंप हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं आपको जो है बाहर चलकर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में फॉग लैंप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाई कुछ टाइम पहले तक तो एक फॉग लैंप एक अपना जो प्रोजेक्टर है वर्क कर रहा था, लेकिन भाई अब जो है दोनों बंद हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है वो तो हमको बाद में पता चलेगा एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करने के बाद। लेकिन भाई सबसे पहला स्टेप जो चेक करने का ना वो मेरी गाड़ी का फ्यूज अगर हम जो है चेक करेंगे। तो भाई अब देख सकते हो मेरी गाड़ी का जो पार्किंग लाइट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो भाई आप समझो कि मेरी गाड़ी का पार्किंग लाइट ऑन है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्टर जो है ऑन नहीं हो रहा। तो भाई चलो इसको ऐसे डायग्नोस करते हैं, बताता हूँ। बोनट ओपन करते ही आपको एक फ्यूज बॉक्स दिखेगा, आपको इस फ्यूज बॉक्स को ओपन करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा फ्यूज आपको चेक करना होता है। भाई इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फॉग लैंप का जो है आपको फ्यूज देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये जो है फ्रंट फॉग लैंप लिखा हुआ है। तो ये कभी कभी क्या होता है इस फॉग लैंप वाला फ्यूज भी उड़ जाता है, जिस वजह से जो है ये वाला प्रॉब्लम आता है। भाई हम क्या करेंगे, हमारा जो है फॉग लैंप वाला फ्यूज ओपन करेंगे। अब जो है ये 10 एम्पीयर का जो फ्यूज देख रहे हो ना, ये हमारी गाड़ी का फॉग लैंप वाला फ्यूज है। तो भाई हर गाड़ी का जो फ्यूज बॉक्स का जो लोकेशन है वो अलग अलग होता है। तो भाई बोनट में आपको फ्यूज बॉक्स तो मिलेगा, फ्यूज का जो सीरीज है वो आगे पीछे हो सकता है। तो भाई आपको जो स्टेप बाय स्टेप अपनी गाड़ी पे जो है फॉग लैंप का फ्यूज खोजना है और उसको एक बार जो है चेक कर लेना। तो भाई कभी कभी क्या होता है फॉग लैंप का फ्यूज उड़ने की वजह से भी ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई एक चीज और चेक कर लेना फॉग लैंप के फ्यूज के साथ साथ, भाई गाड़ी में जो पार्किंग लाइट का भी फ्यूज दिया हुआ होता है, इसमें जो फर्स्ट नंबर का लगा हुआ है ये अपने पार्किंग लाइट का लेफ्ट का फ्यूज है और जो उसका राइट में लगा हुआ है ये अपने पार्किंग लाइट का जो है राइट साइड का फ्यूज है। तो भाई कभी भी आपको जो है ना ये तीनों फ्यूज को एक एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले आपको फॉग लैंप का फ्यूज चेक करना, उसके बाद जो आपको पार्किंग लाइट लेफ्ट का, उसके बाद पार्किंग लाइट राइट का। भाई कभी कभी क्या होता है इन तीनों फ्यूजों के कारण भी अपना फॉग लैंप जो है वर्क नहीं करता, क्योंकि भाई ये सब चीजें जो है ना एक साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं और इसके किसी भी एक भी फ्यूज में प्रॉब्लम आएगा ना, चाहे वो पार्किंग लाइट के लेफ्ट में हो या पार्किंग लाइट के राइट में हो या फॉग लैंप के फ्यूज में भी प्रॉब्लम आएगा, तो भाई हमारा जो फॉग लैंप है वो बंद हो जाएगा। तो भाई इसको जो है स्टेप बाई स्टेप चेक किया जाता है। लेकिन भाई हमारे केस में हमारा जो तीनों फ्यूज है ना, तीनों फ्यूज बिल्कुल ओके था, फिर भी जो है हमारी गाड़ी का फॉग लैंप वर्क नहीं कर रहा था। तो भाई मेरे को लगा कि भाई मेरी गाड़ी का एक्चुअल में हो सकता है कि हमारी गाड़ी का बल्ब भी खराब हो चुका हो, ब्रांडेड जो हम लोगों ने जो है ओसराम का 25 वॉट एलईडी लगा रखा है, शायद वही खराब हो। तो भाई लेकिन भाई फाइनली जो है मैंने सब कुछ डायग्नोस कर लिया, मैंने जो अपनी गाड़ी का बंपर उतारा हुआ था, लेकिन भाई मेरे को लास्ट में पता चला कि भाई अपनी गाड़ी का जो वायरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं था, फ्यूज में भी दिक्कत नहीं था और मेरी गाड़ी का जो एलईडी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। जो दिक्कत था ना सिर्फ हमारे एलईडी का जो कपलर लगा हुआ होता है ना उसमें दिक्कत था, क्योंकि भाई क्या होता है मैंने अपनी गाड़ी को एक दिन पहले बारिश में ड्राइव किया हुआ था। इस टेंशन पे हुआ क्या कि हमारी गाड़ी का जो अपना एलईडी बल्ब का जो कपलर है ना उसमें पानी चला गया और पानी चलने के कारण जो है उसमें धीरे धीरे जो है कार्बन जम गया। भाई अगर आपको पता है अगर गाड़ी के किसी भी वायरिंग्स में अगर कार्बन जमता है तो भाई वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, बिल्कुल भी कोई करंट पास नहीं होगा, इसलिए हमारी गाड़ी का जो एलईडी अपना जो प्रोजेक्टर है वो बंद हो चुका था। तो भाई चलो हम आपको इसके बाद चेकआउट कराता हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं। सो भाई चलो एक बार चेक कर लेते हैं। भाई मैंने अपनी गाड़ी का पार्किंग लाइट ऑन कर रखा है, लेकिन भाई हमारा फॉग लैंप अभी अभी ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे इसका जो है अलग से स्विच है। भाई देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऑन किया यहाँ पे आपको जो एक साइन देखने को मिल गया कि भाई फॉग लैंप जो ऑन हो चुका है। अब चलो मैं आपको जो इसको बाहर चल के दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाई आप देख सकते हो हमारी गाड़ी का जो फॉग लैंप है ना प्रॉपरली वर्क करने लगा है। और भाई मैं बता रहा हूँ अगर आपकी गाड़ी पे फॉग लैंप है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो भाई काफी ज्यादा ब्राइटनेस जो कम हो जाता है रोड पे। तो भाई कल मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसमें मेरे को जो विजिबिलिटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया कि भाई अपने गाड़ी का जो प्रोजेक्टर है काफी ज्यादा ब्राइट है और इसके ना जलने से ना भाई जमीन आसमान का फर्क हो जाता है हेडलाइट और फॉग लाइट में। सो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आपको जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू।